मणिपुर से एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक वीडियो सामने आई है, जिसको देख के मैं खुद ही सहम गई हूं और मैं पूरी रात सो नहीं पाई हूं। उस वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरीके से दो लड़कियों को एक झुंड आदमियों का घेर लेता है और उन दोनों मणिपुरी लड़कियों के साथ सबसे बड़ी अभद्रता की जाती है। उन लड़कियों के जबरदस्ती कपड़े उतरवाए जाते हैं, उन्हें सड़क पर नंगा परेड करा जाता है और उस दौरान वो आदमी लड़कियों को नोचते रहते हैं, उन्हें गंदी तरीके से छूते रहते हैं। लड़कियां चीखती रहती हैं, चिल्लाती रहती हैं, मदद की गुहार मानती रहती हैं, लेकिन कोई मदद नहीं करता। उसके बाद लड़कियों के साथ गैंगरेप तक किया जाता है और 2.5 महीने पहले की ये घटना है, FIR दर्ज कर ली जाती है, लेकिन अभी तक एक भी आदमी अरेस्ट नहीं करा गया। मुझे शर्म आ रही है कि ये हमारे ही देश में इतना घिनौना अपराध किया गया और कोई भी अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ। और मुझे इस बात पे भी शर्म आ रही है कि केंद्र सरकार पिछले 3 महीने से, जब से मणिपुर जल रहा है, हाथ पे हाथ धर के बैठी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी मणिपुर जाकर वहां पे जायजा नहीं लिया हालात का, और मणिपुर की वॉयलेंस के ऊपर अभी तक प्रधानमंत्री जी का एक स्टेटमेंट तक नहीं आया है। तो ये क्यों हो रहा है? मणिपुर हमारे ही देश का हिस्सा है, कैसे चलता रहेगा ऐसे? अगर वहां पे महिलाओं के साथ इतना अत्याचार होगा, मैं आज पत्र लिख रही हूं प्रधानमंत्री जी को और मणिपुर के मुख्यमंत्री जी को, और मेरी 3 मांगे हैं। सबसे पहले तो कुछ भी कीजिए, अर्जेंटली मणिपुर की वॉयलेंस खत्म करवाइए। दूसरी बात, ये जो घिनौनी वीडियो सामने आई है, उसमें जितने भी आदमी दिख रहे हैं, उन सबको चुन चुन कर अरेस्ट करना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक भी आदमी बख्शा नहीं जाना चाहिए। और तीसरी बात, मैं मणिपुर सरकार से अपील करती हूं, मैं पीड़ितों से मिलने आना चाहती हूं, मैं जानना चाहती हूं कि उनके साथ क्या हुआ है, उनके परिवारों से बात करना चाहती हूं, क्योंकि मुझे इस बात का डर है कि ये एक इंसिडेंट नहीं है, हो सकता है ऐसा वहां पे और भी लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ हुआ हो। तो मैं महिलाओं और बच्चियों से बात करना चाहती हूं और सरकार को एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट देना चाहती हूं, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूं एज अ वुमन कि इस वक्त इस देश में सबसे ज्यादा जरूरी महिलाएं जो मणिपुर में हैं, उनको बचाना है। तो मेरी अपील है।